हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 17 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट महात्मा गांधी. ठीक है, स्पेसिफिकली विल स्टार्ट फ्रॉम द गांधी लाइफ इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, एंड वी ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ कि बैरिस्टर ही बिकेम इन इंग्लैंड, ब्रिटेन. ठीक है, एंड ही बिकेम द लॉयर देयर, बट इवेंचुअली हिज फर्स्ट व्हाट यू कैन से यू नो चैलेंजेस दैट ही फेस्ड, जो जिन्होंने जिस जहाँ रह के उन्होंने मासिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, द वर्ड सत्याग्रह, जो हमने हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सुनेंगे पढ़ेंगे जिसके बारे में, उसका जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका से था. ठीक है, तो ऑल इन ऑल महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, द वेरी फेमस महात्मा गांधी, ही स्पेंड हिज 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो वहाँ से उनकी जो लाइफ है, वो जो फेज है उनका, उसके बारे में टॉक अबाउट, वील अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड इन टूडेज लेक्चर विल स्टार्ट विद गांधी इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं बेसिकली, द मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका. इसका प्राइमरी रीजन ये है कि जो बिकॉज साउथ अफ्रीका भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की. ठीक है, सो जो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल है, इसके अंदर आपके जो डिस्क्रिमिनेशंस थे, राइट, और जो लोकल पीपल, the white people who were against the Indian migrants, जो discrimination थे, जो human rights violations थी. ठीक है, तो उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, right? Then we'll study about the passive resistance phase, सत्याग्रह phase of मोहनदास करमचंद गांधी in South Africa. ठीक है, word कहाँ से आया, और Tolstoy form के बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है, Phoenix form के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. Then the very famous why he was given the title of Kaisar e Hind, उसके बारे में पढ़ेंगे. What were the reasons, and so South Africa में basically जो primary discriminations थे उसको कैसे उन्होंने overcome करा, how he introduced सत्याग्रह, how you know how much he got success there in South Africa, जिसकी वजह से उनको एक confidence मिला कि mass movement कैसे organize करा जाता है, कैसे the power of people can be used in a very sophisticated manner, like non-violence and peaceful protest में use करके कैसे अपने जो भी demands और rights होते हैं उसको पाया जाता है. ठीक है, we'll study about it in today's lecture. ठीक है, then we'll start with revolutionary nationalism. और आज के lecture में हम थोड़ा pre-phase में पढ़ेंगे. pre-phase के अंदर आपके 1876 to 97 था. ठीक है, and in this two क्रिटिकल और द यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और ब्रदर्स यू कैन से पीपल यू कैन से वन वॉज योर वासुदेव बलवंत फड़के. ठीक है, ही वॉज स्पेसिफिक टू पुणे सिटी. ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले जो ऑपरेशंस थे ब्रिटिश के उसके अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट करा था, एंड देर वॉज अ टाइम जिसमें पूरा पुणे सिटी वॉज अंडर हिज रूल. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. देन विल स्टडी अबाउट द वेरी फेमस चापेकर ब्रदर्स. ठीक है, देवर थ्री ब्रदर्स इनफैक्ट. ठीक है, दामोदर हरी चापेकर एंड वासुदेव हरी एंड बालकृष्ण, एंड देयर रिवोल्ट एंड देयर प्रोटेस्ट वॉज अगेंस्ट द ब्यूबोनिक प्लेग. ठीक है, पुणे के अंदर ही थी ये भी. एंड देन देयर वर फ्यू किलिंग्स बाय देम, सो इट वॉज ऑल्सो टर्म्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन. सो बेसिकली दे असैसिनेटेड ब्रिटिश ऑफिसर्स डब्ल्यू सी रैंड एंड ल्यूटिनेंट आईएस्ट. ठीक है, तो उनकी किलिंग के साथ जो पॉलिटिकल असासिनेशन की एक मतलब होता है ना कि एक फर्स्ट एग्जाम्पल ऑनसेट, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल सेट करा था चापेकर ब्रदर्स ने. ठीक है, तो दैट विल स्टडी. एंड यस, प्राइमरी एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वुड बी द रीजंस फॉर द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. ठीक है, कि क्यों पब्लिक मॉडरेट्स पे अब ज़्यादा, मतलब मॉडरेट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करके रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो थे उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही थी. व्हाट वर द प्राइमरी रीजंस. ठीक है, सो ऑल दोज विल स्टडी. सो प्लीज गिव द फर्स्ट हेडिंग. गांधी इन साउथ अफ्रीका, अर्ली लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी. ठीक है, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए ज़रूरी है, तो ये नोट डाउन कर लो. इसके बाद जो पहली है हेडिंग, दैट इज योर गांधी
इन साउथ अफ्रीका, ब्रैकेट में लिख सकते हो अर्ली लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इन दिस यू राइट, मोहनदास करमचंद गांधी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकेम अ बैरिस्टर। ठीक है, एज आई टोल्ड ही बिकेम बैरिस्टर इन इंग्लैंड। ठीक है, ये हेडिंग है, इसको लिखना चाहो लिख लेना, बट इवेंचुअली आई विल ड्रॉप दिस। ही बिकेम बैरिस्टर इन इंग्लैंड। ठीक है, इन 1893 ही लैंडेड इन एट डर्बन टू सॉर्ट आउट अ लीगल प्रॉब्लम ऑफ हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला बेसिकली गुजरात के थे, उनके लॉयर बन के ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड ही लैंडेड एट डर्बन। ठीक है, एंड महात्मा गांधी क्लाइंट वॉज दादा अब्दुल्ला। ठीक है, बिकॉज साउथ अफ्रीका भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी और इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो जो जो कॉमन लॉ प्रैक्टिस थी वो सेम थी, प्लस ही वॉज अ बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, तो जो नॉर्मल लॉ प्रैक्टिस थी वो सेम थी। ठीक है, सो डर्बन साउथ अफ्रीका। ठीक है, सो ही लैंडेड एट डर्बन ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट राइट, ऑन लैंडिंग इन डर्बन ही ऑब्जर्व थ्री टाइप्स ऑफ इंडियंस। तो तीन टाइप के इंडियंस ही ऑब्जर्व, ए इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, लेबर फ्रॉम साउथ इंडिया हु माइग्रेटेड देयर फॉर अ बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वॉज देयर चिल्ड्रेन हु वर बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, लेबर्स के जो चिल्ड्रंस पैदा हुए थे, चिल्ड्रन बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन्हीं के चिल्ड्रंस। ठीक है, एंड सी थर्ड टाइप वॉज द मेनन मुस्लिम मर्चेंट्स फ्रॉम गुजरात। ठीक है, मेनन मुस्लिम मर्चेंट्स ये थे वहाँ पे, हुवर मतलब जो उनका जो प्राइमरी जियोग्राफिकल लोकेशन था इंडिया में, देवर फ्रॉम गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑब्जर्व दैट ऑल ऑफ देम वर हैविली डिस्क्रिमिनेटेड एंड दे हैव एक्सेप्टेड दिस डिस्क्रिमिनेशन एज अ वे ऑफ लाइफ सिंस दे हैड नो आइडिया हाउ टू चैलेंज इट। ठीक है, नेक्स्ट राइट, गांधी हिमसेल्फ फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके ऑब्जर्वेशंस तो थी, बट जब उनके संग खुद हुआ तो ही रियलाइज द इम्पैक्ट और द लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द पीपल फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो फेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। तो देयर वर फ्यू इंसिडेंट्स। ठीक है, तो एम मोहनदास करमचंद गांधी इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें ए करके लिखो, ही वॉज बंडल्ड आउट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ही वॉज बंडल्ड आउट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम प्रिटोरिया। ट्रेन से जा रहे थे तो फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट था उससे भगा दिया था व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग टू प्रिटोरिया। ठीक है, फुल स्टॉप, ही वॉज फोर्स टू सिट इन ड्राइवर्स बॉक्स एंड व्हेन ही रीच्ड प्रिटोरिया से जोहानसबर्ग जा रहे थे तो जो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था ना वहाँ से उनको भगा दिया। सो टू कंप्लीट द ट्रैवल ही वॉज फोर्स टू सिट इन द ड्राइवर्स बॉक्स एंड व्हेन ही रीच्ड जोहानसबर्ग नन ऑफ द होटल्स गेव हिम अ रूम। ठीक है, तो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ट्रेन प्लस होटल में डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ। ठीक है, व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रिटोरिया टू जोहानस बर्ग। ठीक है, ठीक है, ये दिस वॉज द प्राइम एग्जाम्पल। सो आफ्टर दिस यू राइट, गांधी फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस इन 1894। नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट गिवन टू द इंडियन पीपल बाय द वाइट पीपल। ठीक है, नेक्स्ट राइट,
He also offered the Indians that he would be teaching them English. He also offered the Indians that he would be teaching them English on the issue of disenfranchise. Just a minute. So he also offered the Indians that he would be teaching them English, full stop, on the issue of disenfranchise. Indians passed by an natal province legislature. Natal province. लेजिस्लेचर ठीक है इंडियंस ने पास करा अगेंस्ट दिस डिसएनफ्रेंचाइज द इंडियंस पास बाय अ नेटल प्रोविंस लेजिस्लेचर कॉमा गांधी वॉज परसुएडेड बाय इंडियंस टू स्टे फॉर फ्यू मोर मंथ्स इन साउथ अफ्रीका सिंस ही वॉज वेरी ही टुक वेरी इनिशिएटिव टू कैंसल और स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस एंड लास्ट पॉइंट यू राइट एंड ही वेंट ऑन टू स्टे देयर फॉर 21 ईयर्स ठीक है आए तो थे दादा अब्दुल्ला के केस के रिगार्डिंग बट इवेंचुअली ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका फॉर 21 ईयर्स 21 ईयर्स ठीक है नेक्स्ट हेडिंग यू राइट मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका दिस वॉज फ्रॉम 1894 टू 1906 ठीक है ये वो पीरियड था जब 1905 में हमारा सूरत स्प्लिट हो रहा था ठीक है स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल पार्टीशन जो हो रहा था ठीक है तो उसमें मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1894 टू 1906 इसमें लिखो In this phase, Gandhi concentrated on petitions and sending memorials to South Africa legislature, comma, colonial secretary in London and British Parliament. In expectations of fair play, he created an ambulance corps of Indians. Ambulance corps of Indians. To assist the injured Britishers. इन द सेकेंड बोयर वॉर 1899 ठीक है तो ब्रिटिश को अपनी साइड करने के लिए महात्मा गांधी ने एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इंडिया एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इंडियंस की स्टैब्लिशमेंट करी ड्यूरिंग सेकेंड बोयर वॉर बेसिकली लोकल साउथ अफ्रीका का वॉर था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ठीक है सो दिस वॉज स्टैब्लिश टू हेल्प इंजर्ड ब्रिटिशर्स ठीक है ड्यूरिंग सेकेंड BOER वॉर ठीक है ये 1899 का था ठीक है दिस वॉर नेक्स्ट यू राइट ड्यू टू हिज सपोर्ट टू ब्रिटिश ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ केसरे हिंद तो ब्रिटिश ने दिया था ब्रिटिश गेव टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद टू मोहनदास करमचंद गांधी आई विल बी राइटिंग MKG ठीक है बाकी तुम लोग नोट्स में पूरा लिख लेना नेक्स्ट राइट ही ऑल्सो सेटअप नेटल इंडियन कांग्रेस एंड स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन ठीक है ये वही है नेटल इंडियन कांग्रेस जो हमने यहाँ पे लिखा ना उसी का ही पार्ट है बट जो मैगजीन और जो न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था दैट वॉज इंडियन ओपिनियन was started in South Africa by Mohandas Karamchand Gandhi, ठीक है?
So this was the moderate phase of struggle in South Africa. Now give the next heading. Passive resistance phase. Passive resistance phase, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका. इसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो सत्याग्रह फेज ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, सो इन दिस यू राइट फर्स्टली अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, A satyagraha was not to submit to what he considered as wrong, but he was to remain truthful, comma non-violent, comma fearless, and he will not submit before any unjust law. ठीक है, so that this whole definition comes under satyagraha. So पहले लिखोगे define satyagraha. ठीक है. After this, next point you write, at this point of time, the major issues were, so we, अभी हम address करेंगे उन primary issues को, जिसके against सत्याग्रह implement करा था, महात्मा गांधी ने. ठीक है, तो कुछ pointers हैं, वो लिख लो. So, The major issues were इसमें ए सब हेडिंग है ए इंडियंस नीडेड टू कैरी इंडियंस वर नीडेड टू कैरी देयर सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल द टाइम एंड ऑन दिस इशू गांधी क्रिएटेड अ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन एंड इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर्स टू नॉट पे हीड टू ब्रिटिश इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है, तो इंडियंस को 2400 घंटे अपने साथ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गले में लटका के घूमना होता था. ठीक है, सो इसके अगेंस्ट में गांधी क्रिएटेड पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन एंड इंस्ट्रक्टेड हिज फॉलोअर्स टू नॉट पे हीड टू ब्रिटिश इंस्ट्रक्टर्स. ठीक है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट इशू. सेकंड वाज अ फ्यू लेजिस्लेशन सॉरी अ न्यू लेजिस्लेशन इन 1908 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट्स ऑफ इंडियंस. ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडियंस वर रेस्ट्रिक्टेड. ठीक है, सो टू डिफाई दिस आगे लिखो टू डिफाई दिस लॉ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस क्रॉस्ड द नेटल प्रोविंस एंड एंटर्ड इनटू द ट्रांसवाल प्रोविंस. ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए और इसको डिफाई करने के लिए इंडियंस ट्रेवल फ्रॉम नेटल प्रोविंस टू ट्रांसवाल TRANSVAL प्रोविंस. प्रोविंस का मतलब वही है, नॉर्मल स्टेट ले सकते हो. ठीक है, सो नेटल प्रोविंस टू ट्रांसवाल प्रोविंस. ठीक है, अब ये जो मोमेंट था इसमें क्या है, मास लेवल पे जेल हुई थी मेजॉरिटी इंडियंस को. ठीक है, एंड इसमें लिख सकते हो आफ्टर गेटिंग जेल्ड इन लार्ज नंबर दे यूज टू कॉल द जेल एज किंग एडवर्ड होटल. जिस जेल में डाला था उसको किंग एडवर्ड होटल से वो एड्रेस करते थे जहां पे मास लेवल पे इम्प्रिजन करे गए थे जो भी प्रोटेस्ट में या मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स थे. ठीक है, तो लिख सकते हो किंग एडवर्ड होटल. ठीक है, एंड सेकंड वाज दिस फर्स्ट वाज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, मैं सब टॉपिक हाईलाइट कर देता हूँ, लिख लेना इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. दिस वाज ए दिस वाज बी एंड थर्ड वाज The marriages not conducted according to the Christian methods or rites were to be invalidated. तो मतलब हिंदू कल्चर के हिसाब से जो मैरिजेस थी those were not considered as valid. ठीक है, so marriages not conducted as per Christian
rules were considered as invalidated, ठीक है? सो दीज वर द प्राइमरी मेजर इश्यूज, ठीक है? अब इस पॉइंट के बाद यहाँ पे फ्रेश लिखना, गांधी फॉट फॉर ऑल दीज इश्यूज, ठीक है? नेक्स्ट यू राइट, फीनिक्स फार्म इन साउथ अफ्रीका वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, फुल स्टॉप. ही यूज द फीनिक्स फार्म टू ट्रेन हिज कैडर्स फॉर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ठीक है? सो क्वेश्चन आता है कि विच प्लेस इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह. सो फीनिक्स फार्म इन साउथ अफ्रीका वो बनाया था, ठीक है? सो आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन, फीनिक्स फार्म इन साउथ अफ्रीका वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, फुल स्टॉप. ही यूज फीनिक्स फार्म टू ट्रेन हिज कैडर्स फॉर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. ये किस लिए यूज हुआ था? टू ट्रेन नॉन वायलेंस सत्याग्रह, ठीक है? नेक्स्ट राइट, विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन फ्रेंड कैलन बैक, ठीक है? तो यहाँ पे फिनिक्स फार्म था, अब हम टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में बात करेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन फ्रेंड कैलन बैक, KALNENBACH, ही क्रिएटेड टॉल्स्टॉय फार्म टू हाउस सत्याग्रहीज एंड गिव देम द वे टू सस्टेन देमसेल्फ, ठीक है? कैलन बैक ही वॉज हिज जर्मन फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ हिम ही इस्टेब्लिश टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है? फिनिक्स फार्म में ट्रेन होते थे और टॉल्स्टॉय फार्म में बेसिकली जो सत्याग्रहीज और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको हाउस करने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म वॉज स्टैब्लिश्ड टू हाउस सत्याग्रहीज एंड गिव देम वे टू सस्टेन देमसेल्फ, ठीक है? दिस फॉर्म मतलब दिस होल प्रोसेस वॉज द प्रीकर्सर्स टू द गांधियन आश्रम इन इंडिया. मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म में तो इस्टेब्लिश टू हाउस ऑल द सत्याग्रहीज एंड देन फिनिक्स फार्म, यही सेम कॉन्सेप्ट उठा के इंडिया में व्हेन महात्मा गांधी अराइव्ड उन्होंने आश्रम्स खोले थे. सो यू कैन राइट दिस फॉर्म एज अ प्री कर्सर टू गांधियन आश्रम इन इंडिया, ठीक है? एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट अंडर योर पैसिव रेजिस्टेंस फेस, फाइनली थ्रू द सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस इन्वॉल्विंग वाइसराव हार्डिंग सी एफ एंड्रयूज एंड जनरल स्मट, द एग्रीमेंट वॉज रीच्ड एंड मेजर डिमांड ऑफ द गांधी वॉज कंसीडेड, ठीक है? तो इनके संग काफ़ी डील्स हुई, मतलब नेगोशिएशंस हुए, तो एंड फाइनली ऑल मेजर मतलब ऑल द डिमांड्स ऑफ गांधी वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है? तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, वाइसराव हार्डिंग, HARDINGE, CF एंड्रयूज एंड जनरल स्मट, ठीक है? सो दिस वॉज द प्रीफेस, या समझ सकते हो साउथ अफ्रीका का कितना रोल था, ठीक है? इसमें एक छोटा सा ट्रिवियल पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो कि एक तो था कि जो बोयर वॉर में इंडियंस का जो एम्बुलेंस कॉर्प था वो गांधी ने बनवाया था, इस्टेब्लिश करा था, सो टू हेल्प द इंजर्ड ब्रिटिशर्स. एक और भी था, सो गांधी ऑल्सो क्रिएटेड अ एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इंडियंस इन द लोकल जूलू वॉर. तो एक एम्बुलेंस कॉर्प वॉज ऑल्सो क्रिएटेड
मतलब एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट है तो इसको साइड से लिख लेना, ऑल्सो क्रिएटेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी इन लोकल जुलू वॉर 1906। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद, ठीक है, एक फिनिक्स फार्म के ऊपर भी एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट है, वो भी लिख लो। ठीक है, फिनिक्स टॉल्स्टॉय फार्म और कैलन बैग का रिलेशन तो क्लियर होगा। तो ये द प्राइमरी एम वॉज टू एस्टेब्लिश द हाउस फॉर द सत्याग्रह। यहाँ पे फिनिक्स फार्म में ट्रेनिंग होती थी फॉर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, एंड रिगार्डिंग दिस फिनिक्स फार्म ओनली, एक ऐसे लिख लो, फिनिक्स फार्म इन साउथ अफ्रीका वॉज द फर्स्ट आश्रम क्रिएटेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी आफ्टर रीडिंग अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किंस, अनटू दिस लास्ट जो बुक थी बाय जॉन रस्किंग, उसको पढ़ने के बाद ही फिनिक्स फार्म वॉज स्टैब्लिश्ड। जो कि सबसे पहला फर्स्ट फार्म था इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, आश्रम भी कह सकते हो, सब फार्म भी कह सकते हो, वो मर्जी है। ठीक है, सो ये दो फैक्चुअल पॉइंट्स याद रखना, अनटू दिस लास्ट बाय जॉन रस्किंग्स पढ़ने के बाद फिनिक्स फार्म बना, एंड एम्बुलेंस कॉर्प दो बार ही आया था, एक बोयर वॉर में और एक जूलू लोकल जूलू वॉर में। ठीक है, ये 1906 का है। ठीक है, सो विद दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ठीक है, गिव द हेडिंग रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ये अभी हम वापस इंडिया में आ गए। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ा था वो सारा साउथ अफ्रीका का था, दिस इज अगेन वी आर बैक टू इंडिया। ठीक है, सो इसमें अगेन जो स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, तीन टाइप के फेज, चार टाइप के फेजेस थे, प्री फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फेज प्री फेज से स्टार्ट करेंगे। सो नंबर वन प्री फेज। ठीक है, एंड द वेरी फर्स्ट पर्सन विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज वासुदेव बलवंत फड़के। इसके अंदर वन ए लिख लो, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, सो इन दिस यू राइट अराउंड 1876 टू 1877 वासुदेव बलवंत फड़के क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ रामोसी। ठीक है, सो 1876 टू 77 वासुदेव बलवंत फड़के क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ रामोसी कॉमा ही वॉज सपोर्टेड बाय भील महर मांग ढांगर एंड कोली कम्युनिटीज। ठीक है, तो कम्युनिटीज ने सपोर्ट करा, सो कम्युनिटीज हु सपोर्टेड वासुदेव बलवंत फड़के वर भील माहर मांग धांगर एंड कोली कम्युनिटीज। ठीक है, सो ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज। ही स्टार्टेड नेक्स्ट यू राइट ही स्टार्टेड एन आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड रेगुलरली रेडेड द रिच ब्रिटिश पीपल एंड ब्रिटिश ट्रेजरीज। ठीक है, इन जो इसका टारगेट था वो रिच ब्रिटिश पीपल थे। नेक्स्ट यू राइट इन 1877 फॉर फ्यू डेज पुणे सिटी वॉज इन हिज कंप्लीट कंट्रोल एंड ही इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन।
सो द नेम इज वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है? फैक्चुअल है, प्रिलिम्स के हिसाब से आ सकता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टोरी की तरह ही चल रहा है हिस्ट्री पूरा, तो एक बार ही पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? फादर ऑफ इंडियन आर्म्स, फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? सो दिस वॉज 1A वासुदेव बलवंत फड़के इन प्री फेस. नाउ 1B चापेकर्स ठीक है, सो दिस इज 1897. इन 1897 इन दिस यू राइट चापेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड ब्रिटिश ऑफिसर्स डब्ल्यू सी रैंड. सो दे असैसिनेटेड डब्ल्यू सी रैंड एंड ल्यूटिनेंट आईएस्ट, ल्यूटिनेंट आईएस्ट हु आर द ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है? नेक्स्ट राइट, चापेकर ब्रदर्स असासिनेटेड दीज टू ब्रिटिश ऑफिसर्स. नेक्स्ट राइट, थ्री ब्रदर्स वर, मतलब चापेकर ब्रदर्स में 3 भाई थे एंड देयर नेम वॉज दामोदर हरी चापेकर, सो द थ्री ब्रदर्स वर दामोदर हरी चापेकर, ठीक है, वासुदेव चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, ठीक है? सो दिस इज स्टिल इन 1B. द थ्री चापेकर ब्रदर्स वर दामोदर वासुदेवन बालकृष्ण. द रीजन वाई दे असैसिनेटेड इज दे वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज ऑफ एट्रोसिटीज एग्जीक्यूटेड ऑन द पीपल ड्यूरिंग द ब्यूबॉनिक प्लेग इन पुणे, ठीक है? ब्यूबॉनिक प्लेग कह लो या फेमाइन कह लो ऑफ बंगाल, सबको एक ही चीज से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? जो कॉमन मैन था, दो पीपल ऑफ इंडियंस, दे वर डिनाइड एवरी राइट पॉसिबल, ठीक है? सो अगेंस्ट द ट्रीटमेंट बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द पीपल ऑफ पुणे इन द ब्यूबॉनिक प्लेग, दे असैसिनेटेड और टुक रिवेंज इन द फॉर्म ऑफ किलिंग डब्ल्यू सी रैंड एंड ल्यूटिनेंट आईएस्ट. द किलिंग, नेक्स्ट राइट, ब्यूबॉनिक प्लेग ऑफ पुणे, ठीक है? द किलिंग कैन बी टर्म्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन, ठीक है? नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द डे गिव द हेडिंग रीजन्स फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. रीजन्स for the rise of revolutionary nationalism, ठीक है? मतलब क्यों पीपल वर गेटिंग इन्वॉल्व इन द वायलेंस और यू कैन से द किलिंग्स बिकॉज ऑफ इज द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वॉज ऑन राइज. मेरी राइटिंग समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सॉरी अबाउट इट, ठीक है? सो राइट डाउन. Disappointment among the youth for working pattern of the moderates. This was number one. Repression of extremist leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, etc. ठीक है, and Swadeshi movement becoming leaderless. Third, you right? Suppressive policies of the government. Here, obviously, the government is British government. So, third point is your suppressive policies of the British government. And last point, inspiration from the revolutionary activities outside India. That is, Japan. जापान डिफीटिंग इम्पीरियलिस्टिक रशिया, ठीक है? तो जो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर जो हो रहा था इस टाइम तक पब्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो गई थी. सो
जापान डिफीटिंग एमपी, और यू कैन सिंपली राइट रशिया, वैसे इम्पीरियलिस्टिक था रशिया भी, ठीक है। तो सिंस जापान डिफीटेड रशिया, हु वॉज द रूलर और द ऑपरेसर इन जापान, सो दिस गेव द बूस्ट एंड द कॉन्फिडेंस टू द नॉर्म टू द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया टू टेक द सेम स्टेप्स, टू फॉलो द सेम स्टेप्स टू इवेंचुअली डिफीट द ब्रिटिश ऑल्सो, ठीक है। तो पॉलिसी सेम थी। तो ये 4 पॉइंट्स है रीजन्स के, मतलब अगर मेन्स में छोटे से टॉपिक में अगर आप ऐड ऑन करना चाहो कि भाई रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्यों राइज पे था, तो दीज वर द 4 पॉइंट्स, ठीक है। सो विद दिस विल बी एंडिंग आर टुडेज लेक्चर, ठीक है। आज थोड़ा जल्दी क्लास खत्म हो गई, सो बिकॉज नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड टाइमलाइन चाहिए होगा, एंड द नेक्स्ट वीडियो कुड बी अ बिट लॉन्गर ऑल्सो बिकॉज वील बी स्टडिंग अंशुलन समिति, ठीक है। एंड देन वील बी डिस्कसिंग द रीजन वाइज यू कैन से लीडर्स और द प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जिन्होंने अपने अपने रीजन में मूवमेंट्स रेस करे, ठीक है। जो फेज वन है हमारा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ेंगे। देन इन दिल्ली विल स्टडी अबाउट राज बिहारी बोस, मद्रास विल स्टडी अबाउट वांची अय्यर, ठीक है। देन नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, सो विल डिस्कस अबाउट द भारत सुशासन समिति, ठीक है। वेरी पॉपुलरली नोन एज इंडिया हाउस एट लंडन, ठीक है। अबव विल स्टडी अबाउट मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट गदर मूवमेंट। तो ये सारे टॉपिक जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसके लिए थोड़ा डेडिकेटेड टाइम लेना चाहिए बिकॉज एक ही लेक्चर में पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन विल स्टडी अबाउट द वेरी फेमस कोमागाटू मारू इंसिडेंट, ठीक है। कैनेडा गई शिप, वहाँ से रिजेक्शन पे आ गई वापस, देन रिवोल्ट हुआ, ऑल दोज थिंग्स। देन विल स्टडी अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ गदराइट्स, द गदर मूवमेंट, ठीक है। गदर मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वीकनेस पढ़ेंगे उसकी, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। देन ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द होम रूल मूवमेंट, ठीक है। ये सारे एक ही जगह कंसनट्रेटेड रखेंगे, तो एक ही लेक्चर में आप सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो। फेज वन में जो अभी हुआ था ना आपका नेशनलिज्म का, वो सब एक ही जगह आ जाएगा। सो होम रूल लीग पे विल क्लोज द नेक्स्ट लेक्चर, मतलब नॉट होम रूल लीग बट हाँ एनी बेसेंट्स लीग्स जो थी सितंबर 1916 में, वो सब पढ़ेंगे हम। तो ऑन दैट नोट विल बी एंडिंग द नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर टुडे एंड फॉर दिस लेक्चर आई थिंक विल बी क्लोजिंग दिस, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड कुछ क्वेरीज हो तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।